मैट्रिक्स एडिशन, अभी मैं 3x3 मैट्रिक लेके एडिशन कर रहा हूँ, उसके बाद यही प्रोग्राम में आल्टर करके एम इंटू एन मैट्रिक का भी आप बता दूंगा। और ये 3x3 मैट्रिक है, इसे हम कंप्यूटर में एंटर करेंगे, जाके मेमोरी में स्टोर होना है वो, तो इसके लिए 2 डायमेंशनल अरे लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैट्रिक को 2 डायमेंशनल अरे से रिप्रेजेंट किया जाता है। 2 डायमेंशनल अरे का साइज ऐसा डिक्लेरेशन रहता है इन डेटा टाइप अरे नेम रो साइज कॉलम साइज। ये 3x3 मैट्रिक है, इसका मतलब 3 रोज 3 कॉलम्स है। यहाँ डिक्लेयर करते वक्त भी 3 रोज 3 कॉलम्स, ये रो का साइज है, यह कॉलम का साइज है। अब ये अरे को ऐसा डिक्लेयर करोगे 2 डायमेंशनल अरे को, ऐसा मेमोरी मिल जाएगा, 3 × 3 9 लोकेशन मिल जाएंगे आपको। तो फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस 00 रहेगा, इसमें हर लोकेशन का 2 डायमेंशनल अरे में हर लोकेशन का इंडेक्स 2 इंडेक्स होंगे उसे, और इसका 01 02। तो अब एक रो खत्म हो गया, तो दूसरा रो के एलिमेंट्स के लिए 101112, तीसरे रो के लिए 202122। अब ये एलिमेंट्स को, और ऐसा ही और एक मैट्रिक रहेगा उसके लिए ये है, और दोनों को सम करने के बाद तीसरा मैट्रिक आएगा उसके लिए सी है। अब देखते हैं फर्स्ट एंटर द फर्स्ट मैट्रिक एलिमेंट, ये मैसेज हमको मिलेगा आउटपुट में, देख सकते हैं एंटर द फर्स्ट मैट्रिक एलिमेंट। तो अब देखिए ये मैट्रिक, अब हमको एंटर करना है, यहाँ एलिमेंट एंटर करना पड़ेगा, कितने एलिमेंट, 9 एलिमेंट। ये मैट्रिक के फॉर्म में दिख रहा है आपको, पर हमारे हाथ से हमें टाइप किए, सो हम कैसा भी टाइप कर ले सकते हैं। देखिए ये कैसा काम करता है, ये मैसेज तो आ गया है, अब ये देखो कैसा काम करता है। ये 3 बार ट्रू होगा, आउटर लूप 3 बार ट्रू होगा। देखो स्टार्टिंग 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 1 बढ़ता जा रहा है, तो लेस देन 3 का मतलब कि 2 तक, 0 1 2, ये 3 टाइम्स ट्रू होगा। ये एक बार ट्रू होके इनर ये लूप को आएगा, इनर नेस्टेड लूप को, इनर लूप को आएगा, ये 3 3 बार चलेगा। वो एक बार ट्रू हो तो ये 3 बार, फिर जाके एक बार ट्रू होके फिर आएगा तो फिर 3 बार, फिर एक बार ये ट्रू होके फिर आएगा तो ये 3 बार, ऐसा ये रिपीट होता रहता है। अब आई का वैल्यू 0 आ गया इनर लूप को, जे का वैल्यू भी 0, ये भी ट्रू हुआ, ये भी ट्रू हुआ, तो स्कैन वैल्यू यहाँ से 1 ले लेगा, ये 3 आके हम वेट करेगा जब हमको वैल्यू देना पड़ेगा। ये 3 हम एंटर किया सो है, ये 3 को ये स्कैन एफ लेके कहाँ स्टोर करेगा, ये ऑफ आई का वैल्यू कितना चल रहा है देखो 0, जे का वैल्यू 0, ये ऑफ 0 0 में माने यहाँ स्टोर करेगा। ये आपका दिया हुआ पहला एलिमेंट इसमें स्टोर हुआ, तो ये एलिमेंट रीड होने के बाद जे अपडेट होता, जे अपडेट होके ट्रू होके भी आता, जब स्कैन एफ और एक वैल्यू रीड करेगा ये 4 रीड कर लेगा, जब 4 रीड करेगा कहाँ स्टोर करेगा, आई का वैल्यू कितना चल रहा है 0 चल रहा है, जे का वैल्यू अभी अपडेट हुआ, फिर ये जे फिनिश होए तक यहीं चलेगा, जे फिनिश होने के बाद फिर आई को जाएगा। अभी जे 1 है तो ये पढ़ेंगे, आई का वैल्यू 0 है, जे का वैल्यू 1 है, तो यहाँ एम्परसेंड रखना जरूरी है, सबके लिए रखना होगा। तो ये आप 0 1 में जाके दूसरा ये 4th एलिमेंट है ना, ये जाके 0 1 में स्टोर हुआ, और उसके बाद ये स्कैन एफ एक बार एलिमेंट रीड होते ही फिर ये इनर लूप जो दिख रहा है वो जे 2 होगा, फिर रिपीट होगा, फिर ट्रू होगा, फिर स्कैन एफ, फिर और एक एलिमेंट 5 को रीड करेगा। मैं अभी बताया था कि आपको ये एक बार ये ट्रू होके यहाँ को आएगा तो ये 3 टाइम्स रिपीट होगा, ये 3 टाइम्स ट्रू होगा, ये 3 टाइम्स ट्रू होने का मतलब स्कैन एफ को 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा तो 3 वैल्यूज वो ले लेगा हर बार एक वैल्यू। जब पहला वैल्यू वो रीड कर रहा था आई जे में 0 था, या आप 0 0 में स्टोर करा, जब स्कैन एफ सेकंड वैल्यू रीड कर रहा था जे का वैल्यू 1 हो गया था, जे का वैल्यू अपडेट होके ट्रू होके फिर स्कैन एफ एग्जीक्यूट हुआ, सो है भी ऐसा रिपीट हो रहा है, ऐसा रिपीट हो रहा है, एक वैल्यू रीड होने के बाद ऐसा जाके आएगा, फिर एक वैल्यू रिपीट होने के बाद ऐसा जाके आएगा। ऐसा हम ये 3 वैल्यूज देंगे 3 4 5, ये 3 किस में स्टोर हुआ जब ये आप 0 0 में, सेकंड एलिमेंट किस में 0 1 में, जे अपडेट होता है इमीडिएट, तो उसके बाद जे ये आप 0 2 में ऐसा स्टोर हो गया। उसके बाद हम एंटर मारना, क्योंकि देख हम सीधा भी एलिमेंट दे सकते हैं हॉरिजॉन्टली पूरे एलिमेंट, क्योंकि देखने में मैट्रिक जैसा लगे, या हम अपने हाथों से देते हैं सो एलिमेंट है, आप 5 के बाद एंटर मारो तो देखने में अच्छा लगेगा, या एंटर मार दिया नीचे को आ गया कंट्रोल। आई का वैल्यू 0 0 0 1 0 2 के बाद जे का वैल्यू 3 हुआ था, यहाँ फॉल्स हो जाएगा, यहाँ फॉल्स होने के बाद ऊपर जाता है, देखिए आउटर लूप को जाता है, जब आई का वैल्यू फिर 1 होगा तो 0 था ना 1 होगा, ये आगे फिर ट्रू होकर नीचे इनर लूप फिर स्टार्ट होगा 0 से, इस बार कहाँ जाएंगे एलिमेंट, आई का वैल्यू 1 हो गया, जे फिर 0 स्टार्ट हुआ 1 0, आई का वैल्यू 1 ही रहेगा, जे मूव होता रहेगा 0 1 0 2, फिर ये फॉल्स हो जाएगा। आई का वैल्यू क्या था, 1 था, जे का वैल्यू 0 2 2 चल गया, 0 फर्स्ट ये ट्रू 1 होकर आने के बाद ये 0 से स्टार्ट हुआ 1 0 1 1 1 2, यहाँ रिपीट होगा वो। उसके बाद फिर आई का वैल्यू 2 होगा तो फिर आगे 0 से शुरू होगा, तो 2 0 2 1 2 2 में स्टोर होंगे वो एलिमेंट। तो कितने बार आउटर लूप ट्रू हुआ, तो 3 टाइम्स ट्रू हुआ, तो एक बार ये ट्रू हुआ तो यहाँ को आया, तो ये कितने बार चला, 3 बार, 3 बार चलने का मतलब क्या, स्कैन एफ 3 एलिमेंट ले लेगा, क्योंकि ये जब जब ट्रू है जब जब स्कैन एफ एग्जीक्यूट होगा, तो टोटल स्कैन एफ 9 टाइम्स एग्जीक्यूट हो, आप देख सकते हैं इसमें ये 3 टाइम्स,
जब जब ये एक टाइम ट्रू हुआ तो ये तीन तीन टाइम ट्रू हुआ है। तो ये पहला टाइम ये आप जीरो जीरो एलिमेंट जाने के बाद, उसके बाद ये आप जीरो वन जीरो टू, बाद में ये फॉल्स, फिर इन्हें वन होगा, ये जीरो से स्टार्ट होगा, वन जीरो वन 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 टू चलेगा। तो उसके बाद ये टू होगा, फिर आगे एलिमेंट आएगा, ये आई टू हो गया, जे जीरो स्टार्ट, टू जीरो टू वन, ये स्कैन है पूरा, नाइन एलिमेंट्स लेगा। तो आपको नाइन एलिमेंट्स देना, या आप हॉरिजॉन्टली देते हैं, वर्टिकली देते हैं, या मैट्रिक फॉर्म में देते हैं, या अपने हाथों से दे रहे, सो है कैसा भी हम दे सकते हैं। तो ये रीड ऑपरेशन है, देखिएगा, आपको रीड समझ में नहीं आया कमेंट में बोलिएगा कि रीड ऑपरेशन, क्योंकि मैट्रिक का रीड ऑपरेशन आपको कोई भी चीज़ इसके अंदर समझ में नहीं आया, आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर दोबारा दूसरा वीडियो में समझाऊंगा। तो समझो ये एलिमेंट्स जो अभी दिख रहे हैं आपको, इसमें जाके स्टोर हो जाएंगे। दूसरा वन टू, सॉरी, वन के बाद टू इसमें स्टोर हुआ, थ्री इसमें स्टोर हुआ, उसके बाद जाके दूसरे फोर, थ्री फिर फोर, नाइन एलिमेंट्स, नाइन एलिमेंट्स रीड हो गए, पूरा ऐसा जाके स्टोर हुआ। जैसा ये मैट्रिक एलिमेंट है, इसमें जाके स्टोर है, और एक मैट्रिक एलिमेंट ऐसा ही हम मेमोरी में जाके स्टोर होंगे, बस उसका जगह ये के जगह हम क्या रखे हैं, ये के जगह जस्ट बी रखना है, ये बी बी रखना है, इसका भी हम परसेंट आप रख लीजिए। बस कितने एलिमेंट होंगे, हाँ भी नाइन एलिमेंट्स, ये थ्री टाइम्स ट्रू हुआ, तो ये थ्री टाइम्स यहाँ को आया, तो हर बार ये थ्री टाइम्स ट्रू होगा, वन ये थ्री टाइम्स, ये एक बार ट्रू हुआ तो ये तीन बार, ऐसा ये तीन बार ट्रू होकर यहाँ को आया, तो एक एक बार तीन टाइम्स ये ट्रू हो गया, तो नाइन टाइम्स हो जाएगा पूरा। ये स्कैनएफ के पास कंट्रोल नाइन टाइम्स आएगा, फर्स्ट टाइम जब आता है जीरो जीरो, उसके बाद जीरो वन जीरो टू, ये पूरे एलिमेंट्स यहाँ जो दिए हैं सेकंड मैट्रिक के लिए जो एलिमेंट दिए हैं, ऐसा ही और एक लोकेशन बी होगा उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब इसका सम देखिए बड़ा सिंपल है, तो नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लिकेशन समझा रहा हूँ, वो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, मगर यहाँ बड़ा सिंपल है। देखो पहला आई जीरो जे जीरो, तो कौन से दो सम होंगे, ये आप जीरो जीरो में जाए, माने कि ये एलिमेंट्स, ये एलिमेंट जीरो जीरो, ए के जीरो जीरो में जो है, बी के जीरो जीरो में भी एक एलिमेंट रहता ना, वो दो सम हो जाएंगे, ए का जीरो जीरो बी का जीरो जीरो सम होकर सी के जीरो जीरो में स्टोर होगा। देखिए सी को भी तो आ रहे हैं, ऐसा मेमोरी उसे भी रहेगा। तो उसके बाद कौन सा इंक्रीमेंट, कौन सा एलिमेंट सम होगा बताइए, कौन सा एलिमेंट आई जीरो है जे जीरो, अब इमीडिएट कौन सा अपडेट होगा, जे अपडेट होगा, जे वन होगा, तो फिर यहाँ को आएगा। जब कौन से दो सम होंगे, ये आप जीरो वन जीरो वन, बी आप जीरो सम होगा, सी आप जीरो वन, फिर कौन सा अपडेट होगा, जेच अपडेट होगा, जेच अपडेट होता रहेगा जब तक फॉल्स होता नहीं है, ये आप जीरो टू बी आप जीरो टू सम हो गया, उसके बाद सी आप जीरो टू में स्टोर हो गया, अब जे फॉल्स होगा टू के बाद, ये फॉल्स होता है तो आई का वैल्यू बदलेगा, आई का वैल्यू बदला तो समझना रो बदल गया, तो ये रो के लिए है, ये कॉलम के लिए है। कभी भी देखो ये लेफ्ट साइड का सब्सक्रिप्ट रो वाला रहता है, कॉलम का सब्सक्रिप्ट, कॉलम चेंज होता जा रहा है, मतलब रो को फिनिश कर रहा है पहले, एक रो के अंदर पूरे कॉलम फिनिश होते हैं। ये फॉल्स होने के बाद फिर ऊपर जाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी होगी, वन होगी, ये बार जीरो था ना, वन होगा, ये जीरो से फिर स्टार्ट होगा, वन जीरो सम होगा, बाद में वन 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 वन, बाद में वन टू, बाद में जे फिर चल फॉल्स, फिर आई के वाली टू होगा, ये जीरो से शुरू होगा, टू जीरो टू जीरो टू जीरो टू वन थ्री वन टू 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 सम हो गया, सीधे बस सम हो गया। अब डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले करते वक्त देखिए, ये तो हम देखने में कितना अच्छा लगता है मैट्रिक फॉर्म में, क्योंकि ये हम अपने दिए सो है, अपने तीन तीन एलिमेंट के बाद हम सम मार को दे दिए, एंटर मार दिए हैं। अब डिस्प्ले करते वक्त क्या है, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता, प्रोग्राम जैसा लिखोगे वैसा वो डिस्प्ले होता है। अब यहाँ देखो डिस्प्ले के लिए थोड़ा हेडिंग ले लो पहले, हेडिंग लेने के बाद क्या है, ये ट्रू होते अंदर आएगा, अंदर आते कंट्रोल है ना सम के बाजू में यहाँ खड़ा रहता है, तो तुरंत ये स्लैश एन एग्जीक्यूट होते ही नीचे आ जाएगा, बस नीचे आने के बाद ये शुरू होगा, ब्लॉक लगाए ना इसके बाद ये शुरू होगा। देखो जे का वैल्यू जीरो, आई का वैल्यू जीरो, सी आप जीरो जीरो प्रिंट होगा, बाद में जीरो वन, यहाँ रिपीट होगा, यहाँ रिपीट होगा, इसका कोई ब्लॉक नहीं है ना, ये सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को रिपीट कर लेता जाएगा, जीरो जीरो सी आप जीरो वन जीरो टू, तीन है, ये तीन एलिमेंट हम प्रिंट होंगे, जीरो 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 वन जीरो टू। भाई ये बीच में गैप क्यों आया है, तो 5D दिया ना, 5D का मतलब क्या है, यहाँ से लेके 5 स्पेसेस इसके लिए रिजर्व होते हैं, 6 के लिए, 6 प्रिंट होने के बाद यहाँ 4 स्पेसेस बच गए, क्योंकि 5 रिजर्व होकर रहते हैं स्पेस विड्थ के लिए, हर नंबर के लिए कॉमन विड्थ इसलिए सेट किया हूँ मैं कि हर एक के लिए, अब देखो इसे 5 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 स्पेसेस को रिजर्व करें, उसमें 6 प्रिंट हुआ, 6 प्रिंट होने के बाद कितना स्पेस आपको बचा, कि 4 स्पेस बचा, कॉमन दे देना है। यहाँ आप स्पेस छोड़ोगे तो वो अच्छा फॉर्मेट में नहीं आएगा, देखो यहाँ 4 स्पेस बचे, यहाँ 3 स्पेस बचे, 3 स्पेस क्यों बचे, यहाँ 2 डिजिट प्रिंट हो गया, तो 5 स्पेस रिजर्व किए थे, 2 डिजिट के बाद 3 स्पेस बचे, जैसा स्पेस सबके लिए कॉमन नहीं रहना है, जब डिजिट्स कम है तो स्पेस बढ़ के आना है, डिजिट जब बढ़ते हैं स्पेस घटना है, इसलिए क्या है, हम हर एक के लिए 5 प्रिंट किया, उसी में वो प्रिंट होना है, जो बचा बचा स्पेस, तो एक के नीचे एक अच्छा फॉर्मेट में आएगा ये।
अच्छा कितने एलिमेंट प्रिंट हो गए, जीरो जीरो, सी ऑफ जीरो जीरो, सी ऑफ जीरो जीरो तो ऐसा लोकेशन रहता ना सी के लिए भी, उसमें आंसर रहता ना सी का जीरो जीरो, सी का जीरो जीरो, जीरो वन, जीरो टू, ये तीन प्रिंट हो जाएंगे। वो तीन प्रिंट हो जाएंगे, हर एक के लिए पांच स्पेस रिजर्व किया था, वो पांच स्पेस में नंबर का जाता, बाकी इसके चार स्पेसेस बचेंगे और इसके और चार बचेंगे, इसके इधर तीन बचेंगे। अच्छा ये प्रिंट हो जाने के बाद तब इधर जाता है ब्लॉक, है ना, ब्लॉक के दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद इधर गया, आई बदला आई वन हुआ तो फिर न्यू लाइन, अब आ रहा है न्यू लाइन, यहाँ नहीं था न्यू लाइन, यहाँ तीन एलिमेंट प्रिंट है एक ही लाइन में प्रिंट हुआ है, बस थोड़ा स्पेस आ गया। अब फिर नेक्स्ट ये अपडेट हो गया, फिर तब इधर आता ना, तब स्लैश एन, स्लैश एन एग्जीक्यूट होते, कंट्रोल देखो टेन के बाजू में रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आके अब ये अभी जीरो से फिर शुरू, ये वन हो चुका है, ये जीरो से फिर शुरू, वन जीरो, वन वन, वन टू, ये तीन एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे, और फिर ऊपर जाएगा ये टू होगा, टू, ये अब न्यू लाइन, यहाँ तीन बार ये रिपीटेड तीन एलिमेंट को प्रिंट किया था, बस एक ही लाइन में आया था, अब जाके न्यू लाइन, यहाँ था कंट्रोल, यहाँ पे आ गया, फिर ये जीरो से स्टार्ट हुआ, सी अब ये आई टू है ना, ये जीरो स्टार्ट, टू जीरो, टू वन, टू टू, जैसा जे बदलता है, ये रिपीट कैसा होता है, लूप के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ऐसा रिपीट होता है, जे अपडेट होता है, बिट ट्रू होता है, ऐसा होता, ये तीन एलिमेंट प्रिंट होंगे, उसके बाद क्या होगा, जे ये फॉल्स होगा तो यहाँ जाएगा तो वो थ्री होगा, थ्री होगा तो ये भी फॉल्स होगा ना, ये भी फॉल्स हो जाएगा, जब कंट्रोल बाहर निकल जाएगा, बस आउटपुट भी आ गया, ये आउटपुट तुम्हारा पूरा प्रोग्राम है, समझो ये प्रोग्राम सिर्फ थ्री बाई थ्री मैट्रिक को काम आएगा, तो समझो कोई भी मैट्रिक को काम आना है एग्जाम में, इसी भी अच्छा क्या रहेगा, एम इंटू एन मैट्रिक का करना अच्छा रहेगा, उसके लिए थोड़ा चेंज करना है, आप देख लो ये बेसिक के लिए था, क्योंकि हम ज़्यादा साइज का लिए डायग्राम में नहीं बता सकते ना, इसलिए थ्री थ्री का लेके बताए हैं, तो साइज थोड़ा ज़्यादा ले लो, यहाँ वेरिएबला नहीं लगा सकते एम एन बोल के, खाली अंदाजी थोड़ा ज़्यादा ले लो, हैं दस दस दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि टेन बाई टेन करने जा रहे हैं, हम स्पेयर ले ले रहे हैं मैट्रिक, यहाँ वेरिएबल नहीं दे सकते हैं, 10, 10, 10 और दो वेरिएबल हाँ को लेना पड़ेगा, m कामा n देने के बाद आपको यहाँ लिखना होगा, स्टार्टिंग में ये नहीं जाना एंटर द फर्स्ट मैट्रिक एलिमेंट बोल के, तो हाँ सीधा आपको ये देना पड़ेगा कितना साइज है तुम्हारा मैट्रिक का, एंटर द ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो ऐसा मैसेज आपको डिस्प्ले होगा, ये मैसेज डिस्प्ले होने के बाद उसके बाद क्या है, तो स्कैनएफ में 2% डी लगाओ, कितने रो थे कितने कॉलम थे, दो वैल्यू हमको देना है, एक एम में दे देंगे और एक एन में दे देंगे, तो समझो पहले मैसेज आएगा आपको एंटर द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, समझो हम थ्री थ्री भी दे सकते हैं, फोर फोर भी दे सकते हैं, अब समझो हमें थ्री फोर दिया, समझो इसमें थ्री दिया इसमें फोर दिया, कितना रो थे, यहां एम रखा देना और यहाँ यन जहाँ भी है वो ऐसा बस, तो उसके बाद यहाँ भी क्या है यम और यन, तो ऐसा कर दे यहाँ भी क्या है यम और यन, यम और यन, डिस्प्ले करते वक्त भी वही ऑर्डर आया होगा, यम और यन बस हो गया, तो बस इतना ही चेंज करना, ये एग्जाम में ये लिखिएगा तो आपको अच्छा मार्क्स आएंगे, तो इसका आउटपुट जब देखा जाए, इसका आउटपुट तो एंटर द फर्स्ट मैट्रिक बोल के नहीं पूछता ये, पहले असल तुम्हारा मैट्रिक का ऑर्डर क्या है ये पूछता उन्हें, एंटर द मैट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक, हाँ जो लिखे वो देख के लिखना है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, एंटर द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक, जब हम समझो थ्री फोर दे दिया, थोड़ा स्पेस दे लगे अपने हाथों में कैसा भी दे सकते हैं, थ्री फोर हम दे दिया, समझो ये थ्री किस में स्टोर हो गया, यम में स्टोर हो जाता, ये फोर किस में स्टोर होता, यन में स्टोर होता, अब ये देखो कितने बार, ये तीन बार ट्रू होगा, ये एक बार ट्रू हो गया यहाँ को आया तो ये फोर टाइम्स चलेगा, अब देखो पहला एलिमेंट हम देंगे किस में स्टोर होगा, ये आप जीरो जीरो, ये एलिमेंट जाएगा ये आप जीरो, ये एलिमेंट जाएगा जीरो वन, ये जाएगा जीरो टू, और एक एलिमेंट इसे देना पड़ेगा, कुछ भी एलिमेंट देना पड़ेगा आपको, कुछ तो भी, क्योंकि है ना चार रो है, देखो फर्स्ट एलिमेंट जीरो जीरो, जीरो वन, जीरो टू, जीरो थ्री के बाद, जीरो थ्री के बाद ये फॉल्स होता है, ये फॉल्स होता है, जीरो थ्री फोर है ये, अब यहाँ घूम रहा है, आई भी जीरो, जे भी जीरो, ये आप जीरो जीरो में रीड हो गया एलिमेंट, फिर आई जे वन होगा तो फिर नेक्स्ट एलिमेंट ये आप जीरो वन में, फिर जे टू होगा, फिर ये रिपीट होगा जीरो टू, फिर ये रूट टू होगा जीरो फोर, ऐसा करके अब यहाँ चार एलिमेंट देना पड़ेगा, देखो एक बार फिर ट्रू होगा ये, फिर यहां भी चार एलिमेंट, कुछ भी हो चार एलिमेंट देना पड़ेगा, तो ये थ्री टाइम्स ट्रू होगा, ये हर बार चार चार एलिमेंट लेगा,
क्योंकि एन फोर है ना, चार चार जीरो टू थ्री, चार चार एलिमेंट लगा फिर जाके चेंज होगा, फिर चार एलिमेंट लगा फिर यहाँ जाएगा ऊपर, ये चार बार रिपीट होने के बाद ही यहाँ हो जाता है। अब ऐसा ही अब इसके भी मैट्रिक को आप ये कर लेना पड़ेगा, इसके भी मैट्रिक को कुछ आप दे लेना पड़ेगा। अब कुछ भी दे दीजिए आप, अब इसका सम में भी वही करना पड़ेगा आपको। अब इसमें आप इसका भी सम करके कर दीजिए, क्या है 3 प्लस 4 कितना हुआ 7 हुआ है, तो नीचे भी आप 2 प्लस 3 कितना हुआ, इसका 2 है इसका 3 है, ये कितना हुआ 5 हुआ। फोर प्लस टू सिक्स हो गया, ये आउटपुट इस ये प्रोग्राम लिखिए, ये आउटपुट में लिखिए, ये रफ वर्क है, ये आप एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रोग्राम है, ये आउटपुट है मैट्रिक का एडिशन के लिए। ये पूरा प्रोग्राम मैं दिखा दे रहा हूँ जो जो आल्टर किया था, ठीक है। थैंक यू, यही प्रोग्राम है, ये समझ में आएगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज तुमको तुरंत मिल जाएंगे। थैंक यू।